अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिफ तारिक। ओके स्टूडेंट्स, आज हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10-11 है होम्योस्टेसिस क्लास 10 का, तो उसका टॉपिक है ये। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करते हैं। तो प्लांट्स अब होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस बताए थे, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन था, थर्मो रेगुलेशन था, एक्सक्रीशन वगैरह थे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड है, यानी कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, के प्लांट्स जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करें, यानी कि अपने अंदर वाटर एंड साल्ट्स की कंसंट्रेशन को प्लांट्स कैसे मेंटेन करें, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे इसको शुरू करने से पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या चीज़ है, पहले नंबर पर होम्योस्टेसिस के बारे में है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। अब होम्योस्टेसिस क्या है, एक होम्योस्टेसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपो मीन लो, तो टोनिक मीन साल्ट्स, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट क्या होगी कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक, कि ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से मूवमेंट करना वाटर का टू हाइपरटोनिक। हाइपर कहते हैं ज़्यादा को, तो हाइपरटोनिक, टोनिक मीन साल्ट्स, कैसे सॉल्यूशन की तरफ जाना जिसके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ऑस्मोसिस फिर क्या हुआ, ऑस्मोसिस ये हुआ कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि किसी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ स्लाइटली सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास करने देती है, उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास ऑस्मोसिस कहलाएगी कि वाटर के मॉलिक्यूल का मूव करना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, क्या प्लांट्स कैसे कैसे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं। अब वाटर की और साल्ट्स की अवेलेबिलिटी के मुताबिक प्लांट्स को तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, तीन मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से ग्रुप्स हैं, पहला जो ग्रुप है उसको कहते हैं हम हाइड्रोफाइट्स, सेकंड जीरोफाइट्स एंड थर्ड इज द हैलोफाइट्स। दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन विच प्लांट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर अवेलेबिलिटी। लो वी डिस्कस वन बाय वन दीज ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, द वर्ड हाइड्रोफाइट्स, फाइट्स तो कहा जाता है प्लांट्स को, रहने वाली चीज़ें, यानी कि प्लांट्स जो रहे हैं उनको हाइड्रोफाइट्स का नाम दिया जाता है, और हाइड्रो मीन हाइड्रो कहते हैं वाटर को। तो ऐसे प्लांट्स जो वाटर के अंदर, अब हाइड्रो कौन सा वाटर होता है, हाइड्रो वाटर वो होता है जो फ्रेश वाटर, यानी कि जो पीने के काबिल पानी होता है, उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, हाइड्रो का नाम देते हैं। जैसे आपका रिवर्स वगैरह का, नहरों वगैरह का पानी है, उसको हम किस नाम देते हैं, हाइड्रो का, तो फ्रेश वाटर होता है। तो हाइड्रोफाइट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स, अब जो कहाँ पे रह रहे होंगे, फ्रेश वाटर में रह रहे होंगे, वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोफाइट्स कहलाएंगे। अब विच लिव कम्प्लीटली, कम्प्लीटली का मतलब कि पूरी तरह से, या तो वो पूरे के पूरे पानी के अंदर होंगे फ्रेश वाटर के, या फिर पार्शली सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब होता है धंसे हुए, यानी कि ऐसे प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स होंगे जो या तो कम्प्लीटली फ्रेश वाटर के अंदर होंगे, या फिर थोड़े से आधे पानी के अंदर होंगे, आधे पानी से बाहर होंगे, तो वो हमें क्या कहलाएंगे, हाइड्रोफाइट्स कहलाएंगे। तो ये नीचे आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हाइड्रोफाइट्स की। तो पहले नंबर पे हाइड्रीला की एग्जांपल है, फिर वोल्फिया, फिर लेमनो, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो आपके पास लिली है। तो लिली में ये पिंक लिली आपके सामने, रेड लिली, और दूसरे नंबर पर हमारे पास व्हाइट लिली भी है जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। तो ये हमारे पास कौन किन की एग्जाम्पल्स हैं, हाइड्रोफाइट्स की एग्जाम्पल्स हैं। अब हाइड्रोफाइट्स की एग्जाम्पल्स के बाद हमारे पास के हाइड्रोफाइट्स होते हैं, इसके बाद हमारे पास इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि हाइड्रोफाइट्स अपने अंदर, अपने आप को वाटर के अंदर कैसे, फ्रेश वाटर के अंदर कैसे मेंटेन रख रहे हैं। तो अब हाइड्रोफाइट्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स ये बताई हैं कि ये तो सीधी सी बात है, वो फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे हैं तो उनको वाटर शॉर्टेज नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी। और दूसरे नंबर पर उनके अंदर फिर ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसके जरिए से वो अपने अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को क्या करवा देंगे, रिमूव करवा देंगे। तो ये हमारे पास किसके बारे में है, हाइड्रोफाइट्स के बारे में। तीसरी जो करेक्टरिस्टिक्स हाइड्रोफाइट्स की, वजह हाइड्रोफाइट्स की ये बताई हुई है कि हाइड्रोफाइट्स जो है उनके जो पत्ते हैं वो ब्रॉड, यानी कि बड़े बड़े होते हैं, और उनके ऊपर जबकि पत्ते बड़े हैं, तो पत्ते बड़े होने के पता से उसके वजह से उसके अंदर जो स्टोमेटा है, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, यानी कि टाइनी होल्स थ्रू विच प्लांट्स कैन टेक गैसियस एक्सचेंज,
यानी कि जिसके जरिए ऐसे सुराग, ऐसे होल्स जिनके जरिए से प्लांट्स अपने जो गैशियस एक्सचेंज वगैरह करते हैं उनको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। तो जब पत्ते का साइज ब्रॉड है तो ब्रॉड होने की वजह से उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टोमेटाज है वो भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा होने की वजह से क्या होगा कि वो अपने अंदर से ज्यादा वाटर को क्या करेंगे, बाहर की तरफ मूव करवाएंगे। तो अपने अंदर के वाटर की जो वाटर है उसको भी क्या रखेंगे, ये मेंटेन रखेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी या नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक आती है प्लांट्स के जो हाइड्रोफाइट से रिलेटेड, वो ये आ जाती है तो ये जो आपके सामने मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई ये भी हाइड्रोफाइट्स की थी कि हाइड्रोफाइट्स अपने अंदर कैसे कैसे जो वाटर है उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं या उस फ्रेश वाटर के अंदर एनवायरमेंट में रहकर वो उनके क्या कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है जो उन्होंने अडॉप्ट की है जिसके जरिए से वो उधर वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप आ जाती है वो आ जाती है ज़ीरोफाइट्स की। अब जीरो बीन कहा जाता है ड्राई को, जीरो कहते हैं ड्राई को, और फाइट्स बीन प्लांट्स, कैसे प्लांट्स जो ड्राई एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, ज़ीरोफाइट्स कहलाएंगे। तो ज़ीरोफाइट्स ड्राई एनवायरनमेंट आपके पास कौन सी आ जाती है, ड्राई एनवायरनमेंट्स हमारे पास डेजर्ट। तो डेजर्ट्स आर द ड्राई एनवायरनमेंट्स इन विच ज़ीरोफाइट्स आर एग्जिस्ट। तो ज़ीरोफाइट्स में आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं वो है कैक्टस का प्लांट। जो कैक्टस है उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, ज़ीरोफाइट्स का। अभी आपकी स्लाइड की ये साइड पर भी कैक्टस बना हुआ है और दूसरे नंबर पर ये वाली जो प्लांट है ये भी कौन से है, कैक्टस का प्लांट है। उसके बाद ये नीचे डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं कैक्टस की आपके पास, ठीक है, उसमें मैनग्रोव्स वगैरह ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके कैक्टस की। उसके बाद ओलिविया का पौधा, ऑलिव ऑयल, एलोए का जिसको कहते हैं एलोवेरा, तो एलोवेरा भी हमारे पास एक क्या है, एक ज़ीरोफाइट ही है। तो ये हमारे पास किसके बारे में है, ज़ीरोफाइट्स की कुछ एग्जांपल्स थी। अब इसके बाद ज़ीरोफाइट्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं जैसे हमने हाइड्रोफाइट्स की है। तो ज़ीरोफाइट्स की करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या आएगा, तो पहले नंबर पे जो ज़ीरोफाइट्स की करेक्टरिस्टिक्स बताई है वो ये बताई है कि वो थिक मोटे होते हैं, यानी कि एलोवेरा देख लें या कैक्टस का पौधा आप देख लें तो दोनों का जो लीव्स वगैरह वो क्या होते हैं, या वो खुद प्लांट जो क्या है वो थोड़ा सा थिक होता है। तो थिक होने के साथ साथ वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज, उनके बाहर वाली जो सरफेस होगी वहां पर क्यूटिकल पाई जाएगी, वैक्सी क्यूटिकल, वैक्स की एक लेयर पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी, सीधी सी बात है कि वो प्लांट्स रह कहां पर रहे हैं, वो रह रहे हैं ड्राई एनवायरनमेंट में, तो ड्राई एनवायरनमेंट में उनकी कोशिश ये होगी कि अपने अंदर से वाटर को रिलीज ना होने दें। तो वाटर को कम से कम इवेपोरेट होने से बचाने के लिए या कम से कम वाटर को इवेपोरेट करवाने के लिए वो कैक्टस के जो प्लांट हैं या ज़ीरोफाइट जो है वो अपने आउटर साइड पर यानी कि एपिडर्मिस यानी कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वहां पर क्या कर लेंगे, वैक्सी क्यूटिकल को फॉर्म करते हैं। तो ये ज़ीरोफाइट्स के करेक्टरिस्टिक है। सेकंड करेक्टरिस्टिक जो ज़ीरोफाइट्स की ये बताई है कि लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो अब लेस नंबर जैसे हाइड्रोफाइट्स थे उनको अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा क्यों थे, क्योंकि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर से वाटर को क्या करवाना था, इवेपोरेट करवाना था, रिमूव करवाना था। लेकिन ज़ीरोफाइट्स क्योंकि हाई ड्राई एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो उनकी कोशिश ये होगी कि वाटर को क्या किया जाए, स्टोर किया जाए। तो वाटर को स्टोर करने के लिए वो ज़ीरोफाइट्स क्या करेंगे, उनके जो स्लीव्स होंगे उनके अंदर जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो बिल्कुल लेस होंगे, थोड़े नंबर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोमेटा क्या होंगे प्रेजेंट होंगे, ताकि रिड्यूस किया जाए किसको, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा पानी वेपोरेट ना हो, इस चीज़ से बचा जा सके। तीसरी जो करेक्टरिस्टिक ज़ीरोफाइट्स की बताई हुई है वो ये बताई है कि ये जो प्लांट्स हैं इनकी जो डीप रूट्स होती हैं वो डीप्स होती हैं। डीपली रूटेड क्यों होते हैं, वजह आपको पता होनी चाहिए क्योंकि डेजर्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, ड्राई एनवायरनमेंट की। तो जब डेजर्ट है तो डेजर्ट में वाटर तो हर जगह प्रेजेंट नहीं होगा, उधर वाटर काफ़ी ज़मीन के भी अंडरग्राउंड भी वाटर काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाके डीपली प्रेजेंट होता है। तो वहाँ तक अपनी रूट्स को पहुँचाने के लिए फिर इनकी रूट्स क्या होंगी, डीप होंगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मट्टी से क्या करें, जितनी ज़्यादा नीचे मट्टी गीली है वहाँ से ज़्यादा वाटर को ये क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। तो तीसरी करेक्टरिस्टिक ये है कि इनकी जो रूट्स हैं वो डीप होती हैं, यानी कि लार्ज रूट्स प्रेजेंट होती हैं ज़ीरोफाइट्स के अंदर। नेक्स्ट फोर करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स जो ज़ीरोफाइट्स से रिलेटेड है कि क्योंकि ज़ीरोफाइट्स जो है अब इनके अंदर कह रहे हैं कि जो स्टेम और रूट्स हैं, स्टेम और रूट्स के अंदर इसके कुछ पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं खास किस्म के। ये तो आपको पता है प्लांट्स के अंदर तीन तरह के सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा, सेक्लेरेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा। अब ये बात कर रहे हैं कि पैरेन्काइमा के जो ज़ीरोफाइट्स हैं इनके पास खास किस्म के कौन से सेल्स हैं, पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो पैरेन्काइमा सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, रूट्स में और स्टेम्स में प्रेजेंट है किसके, हमारे पास ज़ीरोफाइट्स के।
अब इसका काम क्या है, ताकि वो क्या करे, पैरेन्काइमा सेल्स, ये भी पता आप लोगों को कि पैरेन्काइमा सेल्स का फंक्शन क्या है, कि स्टोरेज करना, वो उसकी फूड को, वाटर वगैरह को प्लांट्स के पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज का फंक्शन पैरेन्काइमा सेल्स का है। तो ज़ीरोफाइट्स में भी जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं खास किस्म के, इनका काम यही है कि उन्होंने लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को क्या करना है, स्टोर करना है, क्योंकि वो ड्राई एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश होगी वो वाटर को क्या कर लें, स्टोर कर लें। अब जब वो वाटर को स्टोर करेंगे, तो वाटर को स्टोर करने की वजह से उसकी स्टेम्स और रूट्स क्या हो जाएंगी, जूसी एंड वेट हो जाएंगी। जैसे कैक्टस का प्लांट है या एलोवेरा ही देख लें आप लोग, तो एलोवेरा को जब आप तोड़ते हैं तो एलोवेरा में से आपको वैक्सी एक लिक्विड मटीरियल निकलता नजर आता है, और आपको ये पता चलता है कि वो अंदर से थोड़े से जूसी हैं। तो वो जूसी किस वजह से है, क्योंकि उनके पैरेन्काइमा सेल्स ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर किया हुआ है। तो अब ऐसे ऑर्गन्स जो अपने अंदर वाटर को स्टोर करें और वो वेट और जूसी हो जाएं, तो वेट और जूसी होना जो है और वाटर को स्टोर करना, तो ये जो ऑर्गन्स हैं इनको हम नाम देते हैं सक्कुलेंट ऑर्गन्स का नाम देते हैं। यानी कि अब जो स्टेम एंड रूट जिनके पास पैरेन्काइमा सेल्स होंगे वो क्या, कौन से ऑर्गन्स कहलाएंगे, सक्कुलेंट ऑर्गन्स हमारे पास कहलाएंगे। नेक्स्ट थर्ड टाइप आ जाती है हमारे पास प्लांट्स के ग्रुप्स की, डेट इज हेलोफाइट्स। अब हेलोफाइट्स, हेलो मीन कहते हैं साल्ट को, यानी कि समुद्री, सी एरिया, हेलो कहा जाता है सी एरिया को। तो ऐसे पौधे जो समुंदर में रह रहे हैं, जो सी में रहने वाले हैं, सी वाटर में रहने वाले हैं, हम उनको क्या नाम देते हैं, हेलोफाइट्स का नाम देते हैं। और हेलोफाइट, सीधी सी बात है, आप समुद्री एनवायरमेंट जो है, समुद्र का जो वाटर है, सी का वाटर, वो साल्टी होता है, तो फिर ऐसे प्लांट हेलोफाइट्स फिर वो प्लांट्स होंगे जो साल्टी एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। ये नीचे आपके पास कुछ एग्जांपल्स भी आपको दी हुई है, जैसे ये पहले नंबर पर सी ग्रासेस आपके पास, फिर मैनग्रोव्स भी आपके पास है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये नीचे भी मैनग्रोव्स की एक टाइप है। तो ये आपके पास क्या है, एक सी, ये हेलोफाइट्स हैं जो कि समुंदर के पौधे हैं, समुंदर में रहने वाले पौधे हैं। अब इनके बारे में हेलोफाइट्स का क्या कहा जाता है, कि हेलोफाइट्स अपने अंदर आप साल्ट्स को और वाटर्स को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके बारे में है। तो सीधी सी बात है, साल्टी एनवायरमेंट, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़े हैं, तो पहले नंबर पे तो क्या करेंगे कि साल्ट जो इनकी बॉडी के अंदर ऐसे प्लांट्स के अंदर एंटर होता है जब, तो वो सीधे ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन इन सी वाटर, तो सीधी सी बात है पानी ने, साल्ट ने हमेशा मूव करना है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो हायर कंसंट्रेशन से वो कहाँ पर जा रहा है, साल्ट जो है उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। अब जैसे ही साल्ट उनके अंदर सेल के अंदर एंटर होता है बॉडी के अंदर, तो प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए से मूवमेंट करवाई जाती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कि आप जैसे देखें ना, वाटर साल्ट है, सी है, तो सी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जो प्लांट है हेलोफाइट्स है उनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। तो अब कम जगह से ज़्यादा जगह की तरफ उसने अपने साल्ट्स को क्या करवाना शुरू कर देना है, मूव करवाना शुरू कर देना है। तो जब वो प्लांट्स अपने अंदर से साल्ट्स को समुंदर के एनवायरमेंट में फेंकेंगे, तो वो किस प्रोसेस के जरिए से फेंकेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से। यानी कि अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन काम जो है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम शुरू हो गया, कि उन्होंने अपना मुखालफ काम शुरू कर दिया, जो कुदरत का असूल था, जो कंसंट्रेशन का असूल था, उसके उल्ट चलना शुरू कर दिया। अब कम से वो ज़्यादा की तरफ जाएगा, तो जब वो ज़्यादा की तरफ मूव कर रहे हैं तो फिर उनको एनर्जी चाहिए होगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ही ऐसा है जिसके अंदर से एनर्जी के जरिए से वो मूवमेंट करवाई जाती है मॉलिक्यूल्स की। तो साल्ट्स क्या करेंगे, जैसे उनकी बॉडी के अंदर एंटर होंगे, तो फिर वो बॉडी से जब बाहर जाएंगे, प्लांट्स क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स इन वैक्यूल्स, ताकि वो अपने वैक्यूल्स के अंदर क्या कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट्स को स्टोर कर लें। नेक्स्ट इनके बारे में ये बताया जाता है हेलोफाइट्स के बारे में, साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स ऑफ वैक्यूल्स। अब जब वो साल्ट्स उनके वैक्यूल्स के अंदर चले जाते हैं, तो वैक्यूल्स के अंदर जाने के बाद उन साल्ट्स को क्या कहा जाता है, अलाउ नहीं किया जाता कि वो सेमी परमेबल वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाए, वो वैक्यूल्स के अंदर जाकर ही क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। सो द सैप ऑफ वैक्यूल्स रिमेन इवन मोर हाइपोटोनिक देन सी वाटर। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो साल्ट है जब वैक्यूल्स के अंदर रहता है, तो वैक्यूल्स के अंदर साल्ट के रहने की वजह से क्या होगा कि जो वैक्यूल की कंसंट्रेशन है, जो इन्वायरमेंट है, वो ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगी एज कम्पेयर टू सी वाटर। तो जिसकी वजह से वो अपने अंदर वाटर जो हेलोफाइट्स है वो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर ज़्यादा हाइपोटोनिक रहते हैं, ज़्यादा साल्ट रखते हैं एज कम्पेयर टू सी वाटर। तो जब वो अपने अंदर ज़्यादा साल्ट को रख लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल्स। तो फिर इस तरीके से जो उनकी बॉडी है, उसके अंदर से वाटर बाहर की तरफ मूव नहीं करता। तो ये हमारे पास क्या है, हेलोफाइट्स के बारे में है।
कि जब सीधी सी बात है जब वाटर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी कोशिश होगी पानी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रहे, बाहर ना निकले। तो फिर इस तरीके से वो अपने अंदर वैक्यूल्स के अंदर जब वो साल्ट की कंसंट्रेशन प्लांट इंक्रीज कर लेते हैं, तो इंक्रीज करने से क्या होता है कि वो उनका फिर उनकी कोशिश ये होती है कि पानी बॉडी के अंदर रहे, तो फिर कम से कम वाटर लॉस होता है। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं, जो हेलोफाइट्स हैं, ये अपने अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था जिसका नाम था ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। तो तीन ग्रुप्स में हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स, हमने इन तीनों की ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।